डेटा कम्युनिकेशन के एक नए लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं, ठीक है, और इनकी मदद से हम बात करते हैं, ठीक है। मतलब मैं अपने किसी दोस्त के साथ बात करता हूँ तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम एक लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल तो होते हैं लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन में हर लेयर पर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और उसकी मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी दी थी, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने आपको उसके कुछ प्रिंसिपल बताए थे कि यानी बाई डायरेक्शनल होती है और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और प्रोटोकॉल लेयरिंग के मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस बताए थे, ठीक है। और उसके बाद हमारी प्रोटोकॉल्स के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाया था, तो सबसे पहले हमने बात की थी TCP/IP प्रोटोकॉल की, कि TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को उसकी डिफरेंट लेयर्स बताई थी, ठीक है, और इसको याद करने का आसान तरीका यानी प्लीज़ डू नॉट थ्रो अवे, ठीक है, ये बताया था। फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बताया था, और उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट लेयर्स पर कौन से प्रोटोकॉल होते हैं वो बताए थे, ठीक है। और इसके बाद आज हम थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे कि इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन क्या होती है। मतलब इनकैप्सुलेशन से मराद ये होता है कि अगर किसी लेयर में से कोई डेटा या हमारा कोई मैसेज पास होता है तो वो लेयर उसके साथ अपना एक हेडर अटैच कर देती है। मतलब मैंने मैसेज किसी कंप्यूटर को भेजना, तो जो मैसेज है मैं सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर को दूंगा, एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर लगाएगी, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर को, एप्लीकेशन लेयर डेटा को, मेरे मैसेज को ट्रांसपोर्ट लेयर पर भेजेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना एक हेडर लगाएगी और वो फर्दर नेटवर्क लेयर को देगी, और नेटवर्क लेयर नेटवर्क हेडर की मदद से करेगी, यानी एक लेयर या हेडर डाल देगी, ठीक है, और इसी तरीके से डेटा लिंक लेयर अपना लगा देगी। लेकिन फिजिकल जो लेयर है वो चूँकि डेटा को कम्युनिकेट कराती है इसलिए इस लेयर पर कुछ भी नहीं होगा, और इसके अपोजिट जो प्रोसेस है वो है डीकैप्सुलेशन। मतलब मेरा मैसेज रिसीवर के कंप्यूटर तक पहुंच गया तो वहाँ फिजिकल लेयर उस पर कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है, वो सिर्फ ये जो हेडर वगैरह होंगे इनको देख के डेटा लिंक लेयर को दे देगी, हाँ मेरा डेटा है वो रिसीव कर लेगी, और डेटा लिंक लेयर अपना जो हेडर है ये वाला, मैं अगर मुझे मिल जाता है पॉइंटर, ये वाला जो हेडर है इसको रिमूव करेगी और नेटवर्क लेयर को देगी, नेटवर्क लेयर अपना ये उतार लेगी, ठीक है, और अगली यानी ट्रांसपोर्ट लेयर को देगी, और ट्रांसपोर्ट लेयर अपना ये हेडर उतारेगी और एप्लीकेशन लेयर को देगी, और एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर उतार के जो मैसेज है वो यूज़र को दे देगी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पर कौन सी जो एड्रेसिंग स्कीम है या कौन सी यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन लेयर, तो उसमें मैसेज होता है वो उसमें हमारा जो नेम होता है, मतलब xyz@gmail या जिस तरीके से होता है वो हम देते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर में हम जो एप्लीकेशन रिसीव करेगी यानी पोर्ट नंबर होता है, और नेटवर्क लेयर पर हमारा लॉजिकल या आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, कौन पीसी का आईपी एड्रेस क्या है, और इसके बाद डेटा लिंक लेयर में हमारा मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस होता है, और फिजिकल लेयर में हमारा डेटा, हमारे सिग्नल या जो भी फॉर्मेट है जिसमें उसने अगले पीसी को भेजना है वो करेगा। तो ये जो एक लेयर का एक डेटा दूसरे लेयर में यानी कन्वर्ट होता है, इस अमल को हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं या ARP कहते हैं, जो कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम OSI मॉडल की बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, और तमाम जो दोस्त हैं उनको अपने मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा, हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, ठीक है, स्टडी ग्रुप, ठीक है, तो उसका मैंने जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, काइंडली उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू।